देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। किशनपुरी चौकी इंचार्ज का अवैध वसूली करते वीडियो और ऑडियो वायरल। जनपद मेरठ में जहां एक ओर पुलिस जरूरतमंदों को खाना बांटकर पुण्य का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ पुलिसकर्मी खाकी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। ऐसा ही एक मामला थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का सामने आया है, जहां किशनपुरी चौकी के दरोगा का इको चालक से पैसे लेने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दरोगा को पैसे लेते हुए साफ देखा जा रहा है। बताया गया है कि किशनपुरी चौकी के अंतर्गत फुटबॉल चौराहे से दिल्ली रोड पर सवारियों को लेकर इको गाड़ियां चलती हैं, जिनमें चौकी के दरोगा हर महीने 1,000 रुपए गाड़ी के हिसाब से लेते हैं। बताया गया है कि तकरीबन 11 गाड़ियां इस रोड पर चल रही हैं और सभी को 1,000 प्रति गाड़ी के हिसाब से दरोगा को दिए जाते हैं। हमने तो उसे बता दिया 10 तारीख का जो उसी गाड़ी का नंबर बताऊंगे। अच्छा, जो उसी 10 के बाद मैं नहीं कोई बात करूंगा, तुम दोगे मुझे किसी से कोई बात नहीं। और 10 मिनट भी तो तेरी गाड़ी भी बंद कर नहीं सुन लो मेरी बात, जो नहीं दे रहा उसी नंबर दे दूंगा। तो हमें नहीं पता जो नहीं अभी जेब से दे दूंगा। जो तेरे से बात समझ क्या कर रहा है तूने इसकी ठेकेदारी ली और भाई ये तुम्हें 10 तारीख में तुम्हारे पास आ रहा है और ये नहीं आता जी तुम दोगे। मैं दूंगा तो बस इसकी ठेकेदारी तुम कह रहे हो साहब ये 10 तारीख तक है। मैं नहीं मानता ऐसा कौन है मुझे जानता हूँ। अगर यू नहीं देगा तू देगा मैं दूंगा भाई इसकी ठेकेदारी क्यों भी तू 10 तारीख की नहीं ये कह रहा हूँ ये देगा ये कह रहा है तो तू इसे तो मैं जानता नहीं कह रहा हूँ। क्या नाम आपका? अमित। अमित को तो मैं जानता हूँ, मैं तो अभी तुम्हें जानता है इसकी बिल्कुल सवाल है क्या बजे पर मैं तुझे जा रहा हूँ अगर तू कह रहा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।